नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। महिला किसान दिवस पर महिलाओं ने संभाली प्रदर्शन की कमान। एनआईए ने की कई प्रदर्शनकारी किसानों और पत्रकारों से पूछताछ, किसान नेताओं ने जताई नाराजगी। हर एक घंटे में 100 भारतीय किसान हो जाते हैं भूमिहीन। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 13,788 नए मामले, 145 मरीजों की मौत। आज महिला किसान दिवस के मौके पर किसान आंदोलन की कमान महिलाओं किसानों के हाथों में थी। मंच से लेकर प्रवक्ता तक महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ था। इसी के साथ आज कुछ महिलाएं भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। उनका कहना था कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं ले लेती, किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आइडवा की नेता सुभाषनी अली उत्तर प्रदेश से आई महिला किसान नेताओं के साथ आंदोलन में शामिल हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेरे किसान प्रदर्शनों में आज सैकड़ों की संख्या में महिला किसान पहुंची थी। न्यूज क्लिक ने इन सभी महिलाओं से बात की है, आइए सुनते हैं। आज किसान महिला दिवस है, इसमें सारे महिला आई हुई हैं, बहुत जोर शोर से आई हुई हैं। हर बॉर्डर पे महिला है और ये ऐतिहासिक लड़ाई हो गई है। हमने आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो महिलाएं हैं वो 75% खेती करती है इस देश की, पूरा पशुपालन देखती हैं, पूरा दूध का धंधा देखती हैं, तो आप उनको मतलब किसान का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? उनको किसान का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको जो भी सहूलियतें किसानों को मिलती हैं, अरे 500 रुपये महीना ही मिल जाए उनको, जो बीमा है, जो बीज में उनको कुछ सहूलियत मिलेगी। और आज इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई महिला किसान कर्जे के बोझ आत्महत्या करती है तो उसके परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता है। इसलिए हमने ये कहा है कि महिलाओं की उपस्थिति तो दर्ज है और उनकी निष्ठा और उनकी कुर्बानी भी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत की भी पहचान होनी चाहिए। महिला तो शुरू से ही संघर्ष करती आई है, वो पैदा होती है जब से वो संघर्ष करती रहती है, हर चीज में, हर संघर्ष में, चाहे वो घर के काम में हो, चाहे वो किसान खेती के काम में हो, हर जगह पे महिला का योगदान पुरुषों से अधिक रहा है, हर जगह पे। और वो महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं मिलता। और अब तो महिलाओं का ऐसा है कि जब महिलाएं मान लेती है कि किसान के उससे भी वो बाहर आके अपने लड़ाई लड़ना चाहती है तो जीत उन्हीं की होती है। मोदी सरकार के शासन में महिलाएं जब धरना पर यहाँ जमी हुई हैं तो इनके जज जो हैं कह रहे हैं कि महिलाओं को यहाँ से चले जाना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए। तो मैं मोदी सरकार को बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कोई जबरन नहीं लाया है, बल्कि महिलाएं खुद आई हैं। और सबसे ज्यादा खेती को महिलाएं ही समझती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था महिलाओं के लिए, उनका ये मानना था कि महिलाएं लाचार अबला हैं, तो इन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए। लेकिन जब महिला अपनी शक्ति दिखाती है ना, तो वो दुर्गा काली सब कुछ बन जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता नहीं है। ये देश की आजादी के लिए अडानी अंबानी ने नहीं जानने दी थी किसान मजदूरों ने। और वो किसान मजदूर अगर आज भूखे हैं इस देश के अंदर, जिसको सोने की चिड़िया कहा गया था, तो यहाँ के सत्ता नसी जो लोग रहे उनको डूब मरना चाहिए। और आज वो मतलब इतनी सर्दी जो हाड़ गलाने वाली, इसमें किसानों को यहाँ बिठाए हुए हैं और उधर से कोरोना की उसमें मुंह में धकेल रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि देश इसको देख नहीं रहा, इस नजारे को? ये नजारा पूरा देश नोट कर रहा है। और देश की महिलाएं खास तौर पे जो हैं, जिन्होंने पहले भी जब संविधान पे हमले हुए तो सबसे पहले दिन रात जैसे अब किसान लड़े ऐसे लड़ी है, तो वो लड़ेंगी। और इस तरह की जो हरकतें हैं, जो ये मतलब जो सरकार का और कॉरपोरेट का जो गठजोड़ जो है, इनको पीछे धकेलने के लिए मिलजुल के जो है पूरा हमला बोलेंगे। और ये संकल्प है कि ये जो लड़ाई है ये जीत के रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है केवल किसान की नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं क्या देख के बोल रहा है, हमें तो नहीं मालूम वो कौन सी महिलाओं को जानता है, क्योंकि महिला वकील भी खूब लड़ती हैं और उनको यहाँ करके देखना चाहिए। और वो कह रहे हैं कष्ट, तो सबसे ज्यादा तो महिलाओं को ही कष्ट उठाने की आदत है, सबसे पहले वो उठती हैं,
सबसे पहले घर से निकलती हैं, पशुओं को चारा देती हैं, दूध निकालती हैं, खेत में काम करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, घर में जो बीमार होता है इसकी देखभाल करती हैं, तो कौन सा कष्ट झेलना नहीं जानती हैं औरतें। जब हर तरह का कष्ट झेलना जानती हैं तो अपनी मांगों के लिए और अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए क्या यहाँ नहीं बैठेंगी? बिल्कुल बैठेंगी, और कोई उनको यहाँ से हटा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट को उनकी दाद देनी चाहिए और उनकी हिम्मत को पहचानते हुए उनकी बात को सुनना चाहिए। दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की पूछताछ से किसान नेता खासा नाराज हैं। इसके अलावा NIA ने इस प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को भी दिल्ली स्थित NIA के कार्यालय पर आने के आदेश दिए हैं। किसान नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला और सत्ता का गलत इस्तेमाल बताया है। इसमें सबसे बड़ा नाम लोक भलाई इंसाफ संगठन के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा का है। सरकार से बातचीत करने वाले 40 संगठनों में ये संगठन भी शामिल है। बलदेव सिंह सिरसा को सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंध के जुर्म में NIA ने बुलाया था। बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन भारत में प्रतिबंधित है और अमेरिका से अपने कामकाज देखता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को NIA ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को UAPA के तहत भारत सरकार के खिलाफ भीड़ को उकसाने और अराजकता पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त NIA ने 40 और लोगों को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। इसमें एक्टर दीप सिंह संधू, खालसा संगठन के भारतीय अध्यक्ष और आंदोलन के लिए गाड़ियां देने वाले ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि बलदेव सिंह सिरसा और दीप सिंह संधू दोनों ही NIA के इस ऑर्डर पर बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं। सिरसा ने प्रेस से हुई अपनी बातचीत में कहा कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदर्शन को नहीं तोड़ पाई तो सरकार ने NIA का सहारा लिया। एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन भारत में किसानों के बीच बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। उनकी पीड़ा का मुख्य कारण यह है कि छोटे और मध्य किसान, जो कि किसानों का भारी बहुमत है, उन्हें अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण कृषि प्रणाली की ज़रूरत है, जिसमें सरकार उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुतायत किसानों की बढ़ती कठिनाइयाँ स्पष्ट रूप से इस बात को बताती हैं कि हमारे देश में हर घंटे लगभग 100 छोटे किसान भूमिहीन हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से यह किसी भी कृषि प्रणाली के लिए टिकाऊ स्थिति नहीं है जो बड़े पैमाने पर छोटी जोतों पर आधारित है। 2011 की जनगणना के आंकड़े और 2001 की स्थिति बताती है कि 2001 में 1,273 लाख किसान थे, जिनकी संख्या 2011 में घटकर 1,187 लाख रह गई, यानी उन 10 वर्षों में किसानों की संख्या में 86 लाख किसान कम हुए हैं। दूसरी ओर भूमिहीन खेत मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। केंद्र श्रम मंत्री भंडारू दत्तात्रेय ने मई 2016 में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या 10.67 करोड़ थी और जनगणना 2011 के अनुसार वह 14.43 करोड़ हो गई थी, जिसके अनुसार उन 10 सालों के दौरान लाखों किसान और कुछ हद तक काश्तकार या कारीगर भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में आ गए। आप इस खबर को विस्तृत रूप से हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट पर। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 18 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,788 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज 145 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 14,457 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 814 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,71,773 हो गई है, जिनमें से 1,52,419 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 96.59% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से 1,02,11,342 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.96%, यानी 2,08,012 रह गई है। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आज बस इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।